आईपीएल 2021 का 22वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। आरसीबी के बल्लेबाजी में ओपनर्स द्वारा पॉजिटिव शुरुआत रहा। दोनों ओपनर्स मिलके 30 रनों की साझेदारी बनाए। कप्तान विराट कोहली आवेश खान की गेंदबाजी में बोल्ड आउट होकर केवल 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और वही देवदत्त पाडिकल भी तुरंत अगली ओवर की पहली गेंद पर ही ईशान शर्मा की जबरदस्त गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वे केवल 17 रन बनाए और उनके इनिंग्स में 3 चौके शामिल थे। तीसरे स्थान पर उतरे रजत पाटीदार धीमी गति से शुरुआत किए। वे 22 गेंदों में 31 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंदबाजी में स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए। पाडिकल के बाद उतरे ग्लेन मैक्सवेल अच्छी बल्लेबाजी करके 20 गेंदों में 25 रन बनाकर अमित मिश्रा की गेंदबाजी में स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए। पांचवी स्थान पर उतरे एबी डिविलियर्स शानदार पारी खेलकर केवल 42 गेंदों में 75 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा करके अजय रहे। छठे स्थान पर उतरे वाशिंगटन सुंदर केवल 6 रन बनाकर केगिसो रबाड़ा की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। आखिरी ओवर में उतरे डैनियल सैम एबी डिविलियर्स के साथ अजय रहकर 3 रन बनाए। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी ईशान शर्मा द्वारा शुरू किया गया। ईशान शर्मा अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 1 विकेट चटका कर 26 रन दिए। उन्होंने जबरदस्त गेंद डाल के देवदत्त पाडिकल को आउट किया और केगिसो रबाड़ा भी अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 9.50 इकोनॉमी रेट के साथ 38 रन देकर 1 विकेट लिए और वे वाशिंगटन सुंदर का विकेट लिए। आवेश खान अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने विराट कोहली को बोल्ड आउट किया। वहीं अमित मिश्रा भी अच्छी गेंदबाजी करके 3 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने मैक्सवेल को कैच आउट किया। अक्षर पटेल भी अच्छी गेंदबाजी किए और उन्होंने अपने 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन देकर 1 विकेट लिए और वे रजत पाटीदार का विकेट लिए और स्टॉइनिस 1 ओवर डाल के 23 इकोनॉमी रेट के साथ 23 रन दिए। 9वें ओवर में उतरे एबी डिविलियर्स अंत तक अजय रहकर शानदार पारी खेलकर बैंगलोर स्कोर को 171 रनों तक पहुंचाए। वे 3 चौके और 5 छक्के की मदद से केवल 42 गेंदों में 178.57 स्ट्राइक रेट के साथ 75 रन बनाए। आईपीएल में यह उनके लिए 40वां अर्धशतक है। वे रजत पाटीदार, वाशिंगटन सुंदर और डैनियल सैम के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। ईशान शर्मा अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6.50 इकोनॉमी रेट के साथ 26 रन देकर 1 विकेट चटकाए और वे जबरदस्त गेंद डाल के देवदत्त पाडिकल को क्लीन बोल्ड करके आउट किए। विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद उतरे रजत पाटीदार धीमी गति से अपने इनिंग्स को शुरू किए। वे अपने इनिंग्स को 2 छक्के की मदद से और 140.91 स्ट्राइक रेट के साथ 22 गेंदों में 31 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंदबाजी में स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए। वे पहले मैक्सवेल के साथ 30 रनों की साझेदारी बनाए और फिर एबी डिविलियर्स के साथ 54 रनों का जबरदस्त साझेदारी निभाए। मैक्सवेल उतरते ही ईशान शर्मा की पहली 5 गेंदों में 1 भी रन नहीं बना पाए, लेकिन बाद में धीमी गति से शुरुआत करते हुए अंत तक 20 गेंदों में 125 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर अमित मिश्रा की गेंदबाजी में एक भारी शॉट मारने का प्रयास किए,
लेकिन बाउंड्री के पास स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए और वे रजत पाटीदार के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। 172 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों का अच्छा शुरुआत रहा। पृथ्वी शाह शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे। वे शिखर धवन, स्टीव स्मिथ और ऋषभ पंत के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर 18 गेंदों में 116.67 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 21 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में एबी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। और वही शिखर धवन उतना खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल 6 रन बनाकर जामिसन की गेंदबाजी में युजवेंद्र चाहल को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे स्टीव स्मिथ भी केवल 4 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में एबी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे कप्तान ऋषभ पंत पारी को संभालते हुए बल्लेबाजी किए। वे अपना अर्धशतक बनाकर 48 गेंदों में 58 रन बनाकर अजय रहे। पांचवें स्थान पर उतरे स्टॉइनिस अच्छी बल्लेबाजी करके मात्र 17 गेंदों में 22 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में एबी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। स्टॉइनिस के बाद उतरे हेटमेयर शानदार पारी खेले। वे अपना अर्धशतक पूरा करके केवल 25 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ इस रोमांचक मुकाबले में आरसीबी मात्र 1 रन से जीत हासिल किए और यह उनका 5वां जीत है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी डैनियल सैम्स द्वारा शुरू किया गया। डैनियल सैम्स 2 ओवर में 7.50 इकोनॉमी रेट के साथ 15 रन दिए। वही मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 1 विकेट लेकर 44 रन दिए। काइल जामिसन अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने शिखर धवन का विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर अपने 4 ओवर में 7 इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन दिए। वही हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 2 विकेट लेकर 37 रन दिए और युजवेंद्र चाहल 2 ओवर में 5 इकोनॉमी रेट के साथ 10 रन दिए। शिमरन हेटमेयर शानदार पारी खेल के केवल 25 गेंदों में 212 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 53 रन बनाकर नाबाद रहे। वे ऋषभ पंत के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर अपना अर्धशतक पूरा किए। कप्तान ऋषभ पंत पारी को संभालते हुए बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे और फिर 12 ओवर के बाद जबरदस्त बाउंड्रीज लगाए। वे पृथ्वी शाह स्टॉइनिस और शिमरन हेटमेयर के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे अपने इनिंग्स में 120 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके की मदद से 48 गेंदों में 58 रन बनाकर अजय रह के अपना अर्धशतक पूरा किए। मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 11 इकोनॉमी रेट के साथ 44 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने स्टीव स्मिथ को कैच आउट किया। वे शुरुआत में काफी रन दिए लेकिन अपने आखिरी ओवर में जबरदस्त गेंद डालकर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ऋषभ पंत और हेटमेयर को काफी परेशान किए। स्टॉइनिस अच्छी बल्लेबाजी करके मात्र 17 गेंदों में 129.41 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 22 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में एबी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। वे पंत के साथ अच्छी साझेदारी निभाए।